ठगी के मामले में पर्स ग्रुप के डायरेक्टरों को पेशी के बाद होटल ले गई दिल्ली पुलिस। बठिंडा पुलिस ने की छापेमारी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हमारे सामने न्यूज़ आई है वो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको ये बड़ी न्यूज़ पता चल सके जो दैनिक भास्कर से हमारे पास आई है। ये एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है और इससे पता चलता है कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की क्या पल्स के डायरेक्टरों के साथ मिलीभगत चल रही है और किस तरीके के इनके मामले सामने आए हैं। हमारे सामने जो ये मामला आया दोस्तों, ये ताज़ा मामला भी 16 जनवरी के अखबार में आया है। चलिए सुनाते हैं पूरी खबर क्या है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी घंटी का बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। निवेशकों के करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में नामजद पल्स ग्रुप के दो डायरेक्टरों को दिल्ली पुलिस की ओर VIP ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। मामला बठिंडा के पुलिस अधिकारी के पास पहुंचने पर मामले से संबंधित दिल्ली पुलिस मुलाजिमों पर कार्रवाई के लिए SSP बठिंडा ने दिल्ली पुलिस को लिख दिया है। बता दें कि पल्स निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में थाना कैंट में 2016 में कंपनी MD निर्मल भंगू और उसके साडू सुखदेव सिंह और कंपनी के दो निर्देशकों गुरमीत सिंह और सुमित्रा भट्टाचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से भंगू बठिंडा जेल में बंद है जबकि बाकी तीनों तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली पुलिस के ASI अंतर सिंह और अन्य पुलिस मुलाजिमों के साथ पल्स कंपनी के निर्देशकों गुरमीत सिंह और सुप्रो भट्टाचार्य को मंगलवार को पेशी पर दिल्ली से बठिंडा पहुंचे थे। पेशी के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत दिल्ली के लिए रवाना की बजाय आरओपी समेत कोतवाली के इलाके में पड़े होटल सनशाइन में चली गई। यहां दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को VIP ट्रीटमेंट दिया। इसी बीच DSP डी कुलदीप को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने होटल पर रेड की तो सभी कोतवाली ले गए, यानी कि उनको पुलिस वालों को भी कोतवाली ले गए और इन दोनों डायरेक्टरों को भी ले गए। तो अब आगे ये कहते हैं कि वह कोतवाली में रपट डालने के बाद पुलिस समेत आरोपियों के दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। SSP डॉक्टर नानक सिंह का कहना था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस मुलाजिमों की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को लिख दिया है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर जो हमारे पास इस वक्त निकल कर आई है, इसमें ये पता चलता है कि फ़िलहाल दिल्ली पुलिस के साथ इनकी अच्छी खासी घुसपैठ है, जो ये अपनी मर्जी से जहां मर्जी चले जाते हैं और जहां मर्जी आ जाते हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, भले ही यहां पर ये पंजाब स्थित बठिंडा में इनकी कोई पेशी होगी वहां का ये मामला है और दिल्ली लौटने के वक्त ये लोग बीच में वहीं पर पंजाब के किसी होटल में वहां पर गए और वहां पर जो भी इन्होंने किया वो उस मामले की भनक इन्हें यहाँ पर पड़ गई, क्योंकि अभी ये इनकी उससे सरस से बाहर नहीं निकले थे और वहीं पंजाब में ही आगे कुछ थोड़ी दूर चल के कोई होटल था सनशाइन नाम के, वहाँ पर ये जाके एंजॉय करने लगे। पुलिस वालों के और इनके खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है वहाँ उस होटल पर रेड मारी गई और वहाँ पर इनको पाया गया। तो अब वहाँ पर इन्होंने जो भी किया होगा वो बहरहाल वो जानते होंगे क्या मामला था, लेकिन पूरा मामला ये था कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही को देखते हुए यहाँ की पंजाब की पुलिस ने उन दोनों पुलिस वालों के या जो भी इनके साथ थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखा गया और ये लेटर दिल्ली भेजा गया है। तो देखते हैं दोस्तों इस पर जो कार्रवाई होती है वो क्या कार्रवाई होती है इनके ऊपर। जो इस वक्त VIP माहौल चल रहा है पुलिस के अंदर, इनको अच्छे से रखा जा रहा है, इसकी तो हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। इसी तरह की ये
हमारे पास न्यूज़ आई है। तो दोस्तों न्यूज़ पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।